बात लीजिए नानी। आकाश नहीं आया बेटा? आते ही होंगे। आप लीजिए बड़े पापा। मीठी और विष्णु, ये लो मीठी, आरती लो। आप भी लीजिए ना जीजू। बड़े पापा, हमारे पटाखे और फुलझड़िया? बेटे वो तो बाहर आउट हाउस में रखा। आप सबको पता है जब भी हम बड़े पापा से पटाखे और फुलझड़िया मांगते हैं तो वो बहुत डरते हैं और आज तक डरते हैं। बेटे इस बार हम शोर करने वाले पटाखे कम ही लेकर आए। आप जब भी पटाखे छोड़ने जाती हैं तो हमारी आंखों के सामने वो छोटी मुक्ता आ जाती है जो पटाखों से डरती थी। बड़े पापा, अब हम बड़े हो गए, अब धमाकों से डर नहीं लगता है। नीचे चलो, पटाखे फोड़ेंगे। आओ। अरे विष्णु बेटे, आप यहाँ हम बुजुर्गों के साथ क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए मीठे मुक्ता के साथ, जाइए। विष्णु, आप पूजा घर से अगरबत्ती लेकर जाइए। वो दिए से पटाखे जलाते ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मीठी छोटी थी तब उसका हाथ जल गया था, तब से मैं वो मीठी बाहर जाके पटाखे फोड़ते। पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। मुझे तुमसे बात करनी है मुक्ता। मुक्ता देखो, मुझे घर में पटाखे की शोर नहीं बल्कि शांति चाहिए। मीठी, आज दिवाली की रात है। दिवाली की रात सन्नाटा अच्छा नहीं लगता है, पटाखे फोड़ने चाहिए। चलो मुक्ता, वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी और आकाश की शादी हो जाएगी। जो कुछ भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम दोनों एक ऐसे रिश्ते में बन जाओगे जिसमें तुम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। ठीक तुम दोनों की तरह है ना मीठी? बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो तुम मुक्ता, बहुत ही खतरनाक खेल। बचपना छोड़ दो मुक्ता, ये कोई दिवाली का पटाखा नहीं है मुक्ता, जो जलकर बुझ जाएगा। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझने की कोशिश करो इस बात को। मीठी, इस वक्त हम बहुत खुश है, बहुत 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 ज्यादा खुश है आकाश के साथ, अनलाइक यू एंड विष्णु। क्योंकि विष्णु तुम्हें खुश रख ही नहीं सकता है, उसे जलन हो रही है हमें और आकाश को खुश देख के। He's jealous. मौसी जी का ये मीठी
ये मुक्ता का नानू हा? आज मेरे बेटे की पहली दिवाली है, ये लीजिए मिठाई खाई। आपको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक। छोटे खाना सो गए? सो गया और ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे पता हो कि आज उसकी पहली दिवाली। ये दिवाली भी कितना कमाल त्योहार है, हर जगह दीप जल रहे हैं, ऐसे खुशियों की बाहर आई हो। ये मुक्ता के पटाखों की गूंजी सुनाई नहीं दे रही, क्या कर रही हैं दोनों लड़कियां? मौसी जी आ जाएंगी बस देखिए इसके बाद जो मजा आएगा, पटाखों का क्या शोर शराबा होगा। अच्छा आप ये बताइए कि हमारे लिए दिवाली का तोहफा लाए हैं कि नहीं? ऐसे कभी हो सकता है कि हम आपके लिए कुछ ना लाए? ये लीजिए, ये है आपके लिए। उम्मीद करते पसंद आएगा आपको। आप ये मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर खड़े रहेंगे, मिठाई तो खिलाइए। वो ही कर रहा था। चलो अब बाहर जाके पटाखे फोड़ते हैं। बहस की फुलझड़ियों से हमें बिल्कुल मजा नहीं आता है। हमारी खुशी का शोर किसी को तो दुखी करेगा। यार ठाकुर हवेली में आग लग गई है।
अब जल्दी आइए, जल्दी। अरे पानी लाओ, पानी लाओ। बेटे सब हमारी मुक्ता ठीक है ना? धुएं की वजह से दोनों बेहोश हो गए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बहुत जल्द ये लोग होश में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, दोनों जली तो नहीं है ना? ठीक है ना वो? नहीं नहीं नहीं, मगर लंग्स में काफी मात्रा में गैसेस चली गई हैं, जिसकी वजह से होश में आने में इन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। वैसे फिकर करने की कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सही वक्त पर आ गए। थैंक यू सो मच। आइए हम आपको छोड़ देते हैं। आइए। सखा सप्तपति भव सख्यम ते गमयम सख्यम ते मयोषः सख्यम ते मयोषतः। इसका अर्थ शायद तुम जानते नहीं, बता देता हूं। इस सप्तपति के बाद, इन सात कदमों के बाद, इन सात फेरों के बाद, तुम मेरी मित्र और मैं तुम्हारा
ईश्वर करे कि मैं इस मैत्री के लायक बने, और आज के बाद तुम और मैं हमेशा साथ रहें। ये पांचवें नंबर का वचन होता है साथ फेरे लेते वक्त, मैं आज तक नहीं भूला, मैं आज तक निभा रहा हूं। और तुम तो अगर एक पत्नी आग की लिपटों में घिरी हुई अपनी प्राणों की रक्षा के लिए पुकार रही हो, तो एक पति जो उसका मित्र भी है उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए था? Come on, be a man. नजर उठा के बात करो, नजर झुका के बात करने का वक्त गया विष्णु। मैं यहां तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं आया, मैं यहां तुम्हें एक छोटी सी बात समझाने के लिए आया हूं, वो ये है, तुम जिसे दिल से प्यार करते हो, जिसे अपना मानते हो, आज तुमने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और तुम जिसे अपना नहीं मानते, तुम्हें उसका ख्याल भी नहीं आया। सच इससे बड़ा और इससे ज्यादा स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने नहीं आएगा भाई। ये इस सच से डर कर पीछे दौड़ने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो उसे। सच यही है, तुम्हारे दिल में जो है उसे जुबान पर लेकर आओ, यही पल है, अभी। और अगर तुम अभी भी चुप रहे, इस सब के होने के बाद भी अगर तुम चुप रहे, तो मुझे अफसोस होगा कि तुम मुक्ता की पसंद हो।